भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में हुए दूसरे टेस्ट मैच में भारत को पारी एक पारी और 159 रन से हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय बल्लेबाजों का घटिया प्रदर्शन मैच की दोनों पारियों में देखने को मिला। पहली पारी में केवल 107 रन बनाने के बाद दूसरी पारी में भी भारत के बल्लेबाज केवल 130 रन ही बना पाए, तो वहीं मेजबान टीम ने 7 विकेट पर 396 रन बनाए और पारी की घोषणा कर दी। पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड को 289 रन की बढ़त मिली। क्रिस ओक्स 137 रन बनाकर नाबाद रहे थे। भारतीय टीम की दूसरी पारी में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने एक बार फिर से मुरली विजय को अपना शिकार बनाया। मुरली विजय बिना खाता खोले विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो को कैच थमा गए। इसके बाद एंडरसन ने केएल राहुल को भी विकेटकीपर बेयरस्टो के हाथों कैच आउट करवा भारत को दूसरा झटका दिया। पूरी सीरीज में फेल रहे अजिंक्य रहाणे भी इस पारी में फिर फेल हुए। स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर स्लिप में कीटन जेनिंग्स को कैच थमा बैठे। स्टुअर्ट ब्रॉड ने टीम इंडिया की दीवार चेतेश्वर पुजारा को क्लीन बोल्ड कर भारत को चौथा झटका दिया। पुजारा ने संघर्ष तो किया लेकिन 87 गेंद पर 17 रन बनाकर वह जवाब दे गया। इसके बाद ब्रॉड ने भारत को न केवल पांचवा झटका दिया बल्कि सबसे बड़ा झटका दिया। उन्होंने पोप को कैच आउट करवा विराट को पवेलियन भेजा। इसकी अगली गेंद पर इस तेज गेंदबाज ने दिनेश कार्तिक को LBW आउट कर भारत को छठा विकेट। इसके बाद क्रिस ओक्स ने हार्दिक पांड्या LBW आउट कर भारत को सातवां झटका दिया। कुलदीप यादव जेम्स एंडरसन की गेंद पर बोल्ड हुए और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद एंडरसन ने मोहम्मद शमी को LBW आउट कर इस पारी में अपना चौथा विकेट लिया। क्रिस ओक्स ने ईशांत को पोप के हाथों कैच आउट करवा भारत की पारी केवल 130 रन पर ही समेट दी और इस तरह से एक पारी और 130 रनों से टीम इंडिया को शर्मनाक हारनी पड़ी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।